तो लगभग 3 दिन निकल गए, अपना कोई व्लॉग आया नहीं। सो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मेन तो मेरे को क्रेज़ था संडे का कि संडे को बाइक निकालेंगे और एक छोटी सी आसपास एक शॉर्ट राइड मार के आएंगे। बट हर्षित ने दे दिया मेरे को धोखा। एक दिन रात को पहले बात हुई कि हाँ भाई संडे राइड को चल रहे हैं, मैंने कहा हाँ भाई मैं भी चल रहा हूँ। सुबह भाई साहब ने मेरे को कॉल नहीं किया और अकेले अकेले राइड पर हो आए। तो शाम को फिर मैंने छोटी सी शाम को राइड करी। तो ऐसा कुछ मेरा संडे बीता। अब वो पहली वाली बात नहीं रही कि हम लंबा लंबा जा रहे हैं। अब हमारे सर पे थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और अभी मेरे को लगता है कि 1-2 महीने मेरे को काम पे फोकस करने की ज़रूरत है, जो कि मैं बिल्कुल कर भी रहा हूँ। तो अपनी मर्चेंडाइज में ये एक नई आइटम आई है, बताओ पहले तो कॉमेंट में कैसी लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम चल रहे हैं। तो कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसा लगा। बाय द वे, ये है कि होल्डर, आप इसको घर पे लगा सकते हैं, ऑफिस में लगा सकते हैं, स्टूडियो में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। और अभी मैंने इसकी प्लेसमेंट अपने ऑफिस के अंदर करनी थी, बट मेरे को जगह बिल्कुल भी मिल नहीं रही कि मैं इसको कहाँ पर लगाऊं, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा चीज़ें इसमें ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं मेरे ऑफिस के अंदर। यहाँ पर मैंने लगा दी एक आर्ट वर्क जो मेरे को हर्षित ने दिया था, और एक अपना एक सब्सक्राइबर है भाई, उन्होंने ही आर्ट वर्क उसको बना के दिया था, और देन हर्षित उसको प्रिंट करा के लाया और 500K सब्सक्राइबर्स पे उसने मेरे को गिफ्ट किया था। तो अब हमारे होने वाले 6 लाख सब्सक्राइबर्स के आसपास। तो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे सपोर्ट करते रहो, प्यार बनाते रहो। और इसको मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ पे लगाऊँ। मैं सोच रहा था यहाँ पे मैं इसको नीचे लगा लेता हूँ, और ये यहाँ पे सही से फिट बैठ भी जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बैठता है। तो इसको थोड़े दिनों में यहाँ पे लगा देंगे, और भी चीज़ें अपने आने में, तो देखो वो कब तक आती हैं। तो इस वीडियो को मैं लेके जा रहा हूँ थोड़े कुछ दिन पीछे, फ्लैशबैक में, जब मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त आए थे। तो आप पहले वो देखो, फिर मिलते हैं। तो अपने गेमिंग रिग के बारे में थोड़ी जगह बताते हैं, बट अभी यहाँ पे कुछ हमारे साथ में हमारे कुछ गेस्ट हैं। हर रोज ही नए हमारे यहाँ पे दोस्त आ रहे हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, बट ये भाई हमारे बहुत ही प्रिय मित्र है। थोड़ी शक्ल दिखाओगे आप? तो दीपक भाई आए हैं नए ऑफिस की मुबारकबाद देने। दीपक भाई को अगर आपने नहीं पहचाना भाई, अपने 2 साल पहले राइड पे गए थे, 2 साल तब मैंने ना एंटोर्क नहीं ली थी, भाई ने बुलेट नहीं ली थी, मैंने एंटोर्क नहीं ली थी, और हम शॉर्ट राइड पे गए थे जयपुर की राइड पे। काफी ज्यादा बढ़िया वो राइड भी थी, सब्सक्राइबर मीटअप भी गया था। पी से कुछ नाम था कोई, वो था वहाँ का मेन मेन ना चौक था जयपुर का। भाई साहब इतने सब्सक्राइबर अपने जयपुर से, क्या बताऊं कितना मजा आया था। दुबई मॉल के, दुबई मार्केट, दुबई बाजार, पत्रिका गेट, पत्रिका गेट, भाई साहब क्या जगह थी, इतने सारे सब्सक्राइबर्स थे अपने जयपुर से, बहुत ही धूम मचाई थी। हमने फालूदा वालूदा पता नहीं क्या क्या हमने वहाँ पे खाया। मुस्तकीम जब आया था वो चॉकलेट लेके आया था, जो कि मैं दिखाना आप सभी को भूल गया था। तो दीपक भाई कहते हैं कि व्लॉग में दिखाओ, कि व्लॉग में दिखाने वाली चीज क्या है क्या भाई इसके अंदर? भाई इसमें है आर्ट वर्क। भाई तो मैं बता दूं, भाई है इंटीरियर डिजाइनर, हमारा सौरा ऑफिस इन्होंने डिजाइन करना था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू वो हो नहीं पाया, जो कि फ्यूचर में जाकर जरूर होगा। ये तो हमारी मोटर स्टोर जैसी पैकिंग है कि भाई गिफ्ट पैक करना मेरे को, अभी वो दे दो। इनके साथ में इनकी वाइफ भी है, खंबा का नहीं, ये जयपुर की याद में है भाई हमारी। तो हम सारे ना जयपुर की राइड पे गए थे, तो भाई जयपुर की राइड की याद में एक थोड़ा राजस्थानी टच, भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, रियल है क्या थोड़ा? रियल, ये रस्सी वगैरह पूरा, इसकी मूछें वगैरह सब कुछ वैसा अच्छा लग रहा है। दोनों के साथ में फोटोशूट नहीं नहीं तो भाई प्यार से पैकिंग हुई है इसकी। लो ये लो, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ साथ में भाई, ये फोटोशूट है इनका, लग नहीं रहे दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। हां जी भैया, कितने की दी? फ्री की, फ्री की। तो ये आर्ट वर्क कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सभी लोगों को कैसा लगा। और अभी तो मैं जा रहा हूँ दूसरे ऑफिस में, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा था कि कुछ नए डिज़ाइंस के ऊपर भी काम चल रहा है। आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि भाई जो भी आपने मर्च में चीज़ें डाली हैं उसका मेनली फोकस ना थोड़ा बाइक को लेकर है, तो थोड़ा स्कूटी पे भी कुछ बनाओ। तो बहुत ही हफ्तों की मेहनत के बाद हम एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन के साथ रेडी हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं दूसरे ऑफिस और आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या डिज़ाइन निकाला। होप कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा। तो मिलते हैं सीधा दूसरे ऑफिस में, उसके बाद बात करेंगे हम इस गेमिंग रिग की। तो आज अपनी मर्चेंडाइज को हो गए हैं लगभग 20 से ज़्यादा दिन, और काफ़ी ज़्यादा हमने सजेशंस लिए इंस्टाग्राम के पेज से, domotostore.in के। तो काफ़ी उसके अंदर सजेशंस थे कि भाई बाइक के डिज़ाइंस के ऊपर तो आपने बहुत बढ़िया काम किया, थोड़ा स्कूटी का भी दिखाओ। तो अभी यहाँ पर ना एक स्कूटी का डिज़ाइन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बट इसको हम लाइव करेंगे फ्राइडे या सैटरडे को, और बहुत ही बढ़िया ये डिज़ाइन बनने वाला, और इसकी मर्चेंडाइज भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को मिलेगी।
तो अभी थोड़ा इस पर काम चल रहा है, लगभग 2 से 3 दिन में फाइनल हो जाएगी, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यहाँ पे लिंक आ रहे होंगे। और जो इसका कलर वेरिएशन है आपको मिलेगा इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सारे आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ऐसा कुछ डिज़ाइन है कि सोचो भाई किस स्कूटी को लेके डिज़ाइन बन रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी तो चल रहे हैं हम अपने ऑफिस, और वहाँ पे दिखाते हैं कि गेमिंग रिक के डिटेल्स क्या है, क्योंकि काफ़ी कॉमेंट आया था कि भाई इस बार गेमिंग रिक के ऊपर वीडियो बनाओ और बताओ कि आप एक गेमिंग रिक में कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन है। तो सीधे मिलते हैं। तो गेमिंग रिक की स्पेसिफिकेशंस बताने से पहले हमारा दोस्त धोखेबाज वापस आ चुका है। पता नहीं कहाँ से वापस आया ये नहीं पता, बट हमारे लिए मोमोज लेके आया क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और अभी बज रहे हैं रात के 9:04 और अभी तक हम ऑफिस के अंदर हैं। तो अभी भाई चिकन मोमोज लाए हैं, पनीर मोमोज भाई वेज वाले हैं, ये वेज मोमोज लेके आए। मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने कहा भाई फ्राइड लाइए, फ्राइड भी लाया, स्टीम लाया। तो फटाफट अपने मोमोज निपटाते हैं और थोड़ा वार्तालाप करते हैं कि संडे की राइड कैसे रही, और इसकी फुटेज भी खराब हो गई। एक फुटेज में ऑडियो नहीं आई है, बाकी फाइनल इसका ना व्लॉग देखना जाके, जो कि मेरे को इसने ग्लिम्स दिखाया भाई, बहुत ही खतरनाक बाइक पानी के अंदर डूब गई। तो सोचो कि कैसा कंटेंट होगा भाई, इसके चैनल पे जाके देख लेना वीडियो। बट अभी करते थोड़ी पेट पूजा, फिर करेंगे इस पीसी के बारे में बात। तो मोमोज कुछ देखने में ऐसे हैं, तो भाई हमने कुछ पानी की बोतल रखी है ना, फैंसी भाई, भाई मस्त लग रही है, मजेदार, प्लास्टिक की नहीं है। जनता को पानी पी के दिखाएं जरा आप, कैसी फील आती है। एक ना टेबल की मेरे को ज़रूरत है ऑफिस में, ये तो मैंने एक स्टडी टेबल लगा रखी है, जो कि हम घर पे फोल्डेबल लगाते हैं। तो मेरे को ना एक कांच की मैंने एक राउंड टेबल देखी थी फर्नीचर वाली शॉप पे, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही थी, क्योंकि अभी दूसरा एम्प्लॉय भी मेरे पास आने वाला है, तो उनके लिए बैठने के लिए यहाँ पे जगह नहीं होगी। तो उससे पहले मेरे को यहाँ पे टेबल, मैंने भी एक टेबल देखी बहुत मस्त है, वाइट कलर की, देख के मैं लेके आऊँगा। वो ऊपर नीचे वाली नहीं, ऊपर नीचे वाली है, वो ऊपर नीचे वाली मिल जाएगी, पर मेरे को जब मैंने देखा ना कि मेरा यूसेज नहीं है, ऊपर नीचे वाली का वेस्ट हो, अभी कंफ्यूजन चल रही है क्योंकि जगह की कमी है। कंफ्यूजन मेरे साथ भी बहुत सारी चल रही है। पहले भाई खा लेते हैं, मेरे को ना लंच के बाद कुछ नहीं मिला, मैंने कॉफी पी थी क्योंकि कॉफी बनाने का सारा सामान मेरे पास यहाँ पे है, केटल ये रही, पेंट्री का सामान ये रहा, नमकीन ये वो मग वग सब यहाँ पे है। तो भाई मोमोज खाते हैं ऐसा लंच के बाद ये भी मिल रहा ना, बहुत आनंद आ रहा है। वेज मोमोज को भी चिकन समझ के खा रहा हूँ, पनीर भाई पनीर। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो बहुत हो गया मजाक मस्ती, जिस मेन रीजन के लिए आप यहाँ पे आए थे अब वो फाइनली मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो आप गेमिंग पीसी देख रहे हैं, मैंने आज से लगभग 9 से 10 महीने पहले बनवाया था, और इसकी कीमत उस टाइम पे सिर्फ 40,000 रुपए थी, और अब लगभग मेरे को लग रहा है कि 1,10,000 या 1,20,000 इसकी कीमत पहुंच चुकी है धीरे धीरे इसमें सामान लगाते लगाते। एक बार मैं आपको स्पेसिफिकेशन रीड आउट कर देता हूँ कि ये जो मेरा पीसी है इसके अंदर क्या क्या आइटम लगी हुई है। तो सबसे पहले तो इसका प्रोसेसर है वो AMD Ryzen 5 3400G। तो जब मैंने PC बनवाया था तो मैंने अलग से इसमें GPU नहीं लगवाया था, क्योंकि को था कि गेम्स वगैरह चल जाएंगे। Although गेम्स वगैरह बहुत ही अच्छी सेटिंग्स पे इसके अंदर चल रही थी, बस स्ट्रीम होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से अब मैंने इसके अंदर GPU लगा दी और अब बहुत ही अच्छे तरीके से चल सकती है। और जो इसका मदरबोर्ड है वो है गीगाबाइट का A320M, और इसके अंदर Corsair Vengeance की 2 DDR4 की RAMs लगी हुई है 8GB ईच, और Corsair की इसके अंदर पावर सप्लाई है 450W। WD की इसके अंदर SSD लगी हुई 240GB की। हार्ड ड्राइव मेरे को थोड़ी इसकी इंक्रीज करनी है, लगभग मेरे को इसको 5TB का बनाना है, क्योंकि अभी जो इसका 2TB की हार्ड ड्राइव है पूरी फुल है, और जो मेरा एक जो वर्क लैपटॉप है ये है 1TB का, ये भी ऑलमोस्ट पूरा फुल है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एम्प्लॉय है उसका लैपटॉप खाली रहे और सारा डेटा मेरा पीसी के अंदर रहे। कैबिनेट इसकी कुछ देखने में खास नहीं है, Corsair की इसकी कैबिनेट है, कार्बाइड स्पेक 5, इसमें 8GB वगैरह कुछ नहीं थी, तो मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर अगर एयर फ्लो वगैरह के हिसाब से देखी जाए तो काफी बढ़िया है ना, हर जगह इसमें छेद ही छेद है छेदी सिंह बना हुआ है। और Zebronics के मेरे कीबोर्ड माउस, एक बार मैं कीबोर्ड दिखाता हूँ कि मेरा कीबोर्ड कैसा दिखता है। ये ऐसा नहीं दिखता था, मतलब इसके ऊपर ना पूरी मेटल की प्लेट थी, पूरा केज बना हुआ था, और ये पूरा RGB बन गया, इसमें यहाँ से चेंज हो जाती लाइट।
तो जिसके पास भी ज़िब्रोनिक्स के कीबोर्ड माउस है या नहीं है तो आप गूगल पे पिक्चर देख सकते हैं। इसमें ना चारों तरफ एक शील्ड लगी हुई थी, तो मैंने शील्ड उतार दी जिससे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी हो गया और देखने में अच्छा भी लग रहा है। और मेरे को देखा देखी काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने भी कर दिया, बट इसने नहीं करा अभी तक। यार मैं भी ना पहले अपना सेटअप बना लूँ पूरा टेबल वेबल का ना, फिर भाई ये भी थोड़ा सेटअप सब बना रहा है आजकल, सब ऑफिस बना रहा है, मेरे को पता नहीं भाई क्या जोश चढ़ा हुआ सबको। रेड गियर के हेल्थ क्रीम के मेरे हेडफोन्स हैं जो कि हार्डली मैंने यूज़ करे, और जो इनके साउंड है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब आप कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हो या कोई गेम का कोई ऐसा एक्शन सीन चल रहा हो तो पूरी आप उसकी फील ले सकते हैं। होगी गैंग वॉर। और जो मेन चीज़ है हमारी पीसी की धड़कन वो है ये दो बड़े बड़े मॉनिटर जो कि पूरी आन बान शान है मेरी ऑफिस के। तो पहले जो मैं मॉनिटर यूज़ कर रहा था अपने पीसी में वो था ये AOC की स्क्रीन जो लगभग मैंने 2015 या 16 के अंदर खरीदी थी अपने फर्स्ट यूट्यूब के पीसी के लिए। तो आज तक वो चल रही है, टच हुआ उसको अभी तक कुछ नहीं हुआ। और वो HD में थी, 720p थी आई थिंक, 720p है ना मॉनिटर। और जो ये मॉनिटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है LG के 24 इंच के IPS मॉनिटर जो कि फुल HD है और गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो पहले मैं सोच रहा था सिर्फ एक मॉनिटर ले लेता हूँ, दूसरा मॉनिटर फिर कभी ले लूँगा, तो मैंने सोचा यार अब जो खर्चा हो रहा है तो चलो दो बार ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा CS:GO चल रहा है और यहाँ पे हमारा स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो यहाँ पे हमें चैट्स वगैरह भी सब दिख जाएगा। मेन हमारा स्ट्रीमिंग का सॉफ्टवेयर इधर चलेगा, हमारा गेम इधर चलेगा। और सबसे मेन चीज जो कि है ग्राफिक कार्ड जो कि इसमें मैंने लगवाया Inno 3D का 1660 सुपर। पहले इसमें कोई GPU नहीं था, मैं सिर्फ AMD के जो प्रोसेसर आते हैं उसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं वेगा ग्राफिक्स, तो उसके मदद से मैं कुछ गेम खेल पा रहा था और स्ट्रीमिंग कर पा रहा था। अब जब मैंने इसमें GPU लगा दिया तो बहुत मक्खन चलेगी ना मेरी स्ट्रीम भाई। ये गेम ना मेरे में कम फ्रेम आते हैं और तेरे में अभी मैं चेक कर दूँ इधर में ज्यादा होगा, 100 से 100+ आ रहा होगा पक्का। मजा आ रहा है भाई, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। और साथ में मैंने UPS भी लगाया, UPS है मेरा APC का और APC इज बेस्ट इन क्लास। मतलब बहुत ज्यादा लोग इसको APC को यूज करते हैं, तो मैंने कहा यार चलो APC का ही ले लेते हैं, सारी कहानी एक ही बारी में खत्म करते हैं। गेमिंग रिग हमारा तैयार हो चुका है और गेमिंग चैनल ऑलरेडी हमारा है BTR गेमिंग के नाम से। उसकी बहस किया तो भाई मेरे चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, BTR गेमिंग का। नहीं देखा तो जाके देखो, जब भी हमारी उधर स्ट्रीम होगी तो आप सभी को नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इसी नोट पे ये व्लॉग यहीं शट डाउन करते हैं, मिलते हैं किसी और बढ़िया नेक्स्ट व्लॉग में। अभी कुछ गेमिंग का थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहना कि कब भी हम स्ट्रीम करेंगे तो आपको वहाँ पे नोटिफाई हो जाएगा। तो इसी नोट पे टिल देन राइड सेफ, दिस इज वॉन्डरिंग विद वॉन्डरिंग हर्षे, टिल देन बाय बाय। ओ मर गया, बाय बाय बाय। फॉर द रैकेट आई एम डन ट्राइंग टू मेक यू कंफर्टेबल, यहां पे मैं ले रहा हूं बिहाइंड द सीन, पूरे ऑफिस में अंधेरा और हमारा गेमिंग पीसी कुछ ऐसे। तो इसका आउटकम आपको व्लॉग के बिल्कुल स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। मैं ब्लाइंड मार रहा हूं ऊपर बहुत ज्यादा होता है, ले ले मैं खुल जाता है ना जब मैं बोलूं ये काम करते इसको हटा दे ला ले किधर। फॉर द रैकेट आई एम डन ट्राइंग टू मेक यू कंफर्टेबल, दैट्स राइट। फॉर द रैकेट यू एंड ट्राइंग टू ग्रो इन स्टंप फॉर यू, दैट्स राइट। फॉर द रैकेट lab on me going all the way for the record ain't trying to link no time to waste.